क्योंकि मंगल शुरू होने वाला है। ये बच्चे तो यथास्थान पे हैं। सच्चे दरबार की आई दूसरी जी जब तक आ रहे हैं लोग कब प्रचार करते हैं, एक बार बोलो, बोले फेरी वाली मैया की, भीमेश्वरी मैया की, भीमेश्वरी देवी की। नरेंद्र जी जोशी पर आ रहे हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए आप लोग जोरदार। अरविंद जी जोशी, सॉरी अरविंद जी जोशी हमारे बीच में, नरेंद्र जी और अरविंद जी भी। और मैं उनके माता जी को उनकी माता से भी, उनकी माता से के लिए ताली बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि माँ के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। जब माँ इससे संस्कारी होती है बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ अपने अपने संस्कार अपने परिवार में जरूर दें। बोले सच्चे दरबार की, बोले भीमेश्वरी मैया की। होंगे ठाठी निराले तेरे, होंगे ठाठी निराले। ये मंगल पाठ, महिमा पाठ या सुंदर कांड, कोई भी पाठ हो, कोई भी महिमा हो, उस करने से क्या होगा सुनिएगा। होंगे ठाठी निराले तेरे, होंगे ठाठी निराले, होंगे ठाठी निराले तेरे, होंगे ठाठी निराले। एक बार अपने घर में तो मंगल महिमा पाठ करा ले, एक बार अपने घर में तो मंगल महिमा पाठ करा ले। एक बार मंगल महिमा पाठ के लिए हाथ उठा दोनों, हाथ दोनों हाथों में तालियां जोरदार, एक दो तीन चार। Oh,
काठी खाया Thank you.
Thank you.
मेरे कृष्ण सभी परवानी सभी माते हैं संकट जाने दशरा गांधी मंदिर कराना शिव जी को फिर जाना चौका चौमावती पधारी आकर कहो पुत्र हे तुम क्यों आए क्यों तुम मेरा ध्यान लगाए। भीम जी बैठ गए माँ का जाप करने के लिए माँ के नाम की। अभी गुरु जी ने कहा नाम नाम जप ही सबसे बड़ा जप है। भजन गाओ या ना गाओ माँ का पिता का गुरु का किसी का भी नाम जपो राधे रानी का कुल देवी का कुल देवता का पितर पितराणी का नाम जप से ही जीवन में उद्धार है। भी जी मां का जाप करने लगे मेरी माता भवानी कृपा कर दो मेरी भक्ति हे माता स्वीकार कर लो। आई भी जी मां को माँ की तपस्या करें आप सब इस तपस्या में लीन हो जाइए माँ के दर्शन भीम के साथ साथ आप भी करिए।
विश्वास में कमी हो आप भी चखना, अगर विश्वास पूरा की माँ आती है, माँ आएगी और माँ आती रहेगी, तो हम पूरे दोनों हाथ में बोलो सच्चे दरबार की आएगी आएगी आएगी। अगर अरदास सच्ची हो, पुकार सच्ची हो,
तो माँ कल भी आई थी, माँ आज भी आएगी और माँ कल भी आएगी। बस हमारी अरदास में वो भावना, वो विश्वास होना चाहिए। आइए प्रथम अध्याय माँ की कृपा से समाप्त हुआ, द्वितीय अध्याय में शब्द प्रवेश कर रहे हैं। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। हम परिप्रसन्न हो माता, हम परिप्रसन्न हो माता, हम परिप्रसन्न हो माता। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो माता, सब लोगों को वरदान दो माता, सब लोगों को वरदान दो। यही तो वैसे सीना सब छुपा हुआ है। इसी जय में जय है, इसी जय में छह है। जयकार ऐसी लगाओ कि मां बन जाए। एक बार जोर था बोले विघ्नेश्वरी मैया की जय। चार बार ताली बजा के जोर था बोले विघ्नेश्वरी मैया की जय। अगर उसको नहीं मनाओगे ना तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कितना ही आता हो, कितना चुड़ी चढ़ाओ, कितने चुड़ी चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं, सब डूब जाएगा। आगे घर वाली माँ को मनाओ, फिर इसको मनाओ, सब जगह प्रसन्नता मिलेगी, सब जगह आनंद मिलेगा। माने भक्त की बातें मानी, मन को मन में चलता जाए, मन में हर्ष लिए मानी, माता का आशीष मिलेगा, सोचत सोचत चलता जाए, लंबी दूरी तय कर लीना, दुर्भाषा का आश्रम आया, मैंने वचन दिया था भारी, माता ने एक सोच विचारी, मायकों करके पास में मेरे कृपा एक पेड़, ज्योति जहाँ थी भी में आए, माँ की ज्योति हुई है भारी, अपने पंथा भी में बली का, माँ की शक्ति अपरंपारा, माँ का प्रभुल हुई है, चलो माँ का अब हमको चलना, चलो परमा की ज्योति दस से मस नहीं हुई। भीम बलि हार गए, अतुलित बले जितना भी बल था सारा का सारा लगा गया, पर ज्योति को दस से मस नहीं कर सके भीम जी। कितना
इतना हिलाया, इतनी शक्ति से परमां डर से मस नहीं हुई। बहुत कोशिश की बिंदी ने कि मां चलो मेरे साथ, पर
जिस भवन पर आने से सारे भक्तों के कष्ट दूर हो जाए।